अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं 500 एंड 700 माइक्रो कूलम और टोटल चार्ज है लेफ्ट राइट मिला के आमने सामने ले आए, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा होगा कि अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्शन हो जाती है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रिपल्शन रहती है। तो आपको ये बताना है कि लेफ्ट राइट पे क्या चार्जेस होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो एक्स है क्योंकि टोटल चार्ज 500 है, तो इधर का चार्ज क्या होगा 500 माइनस एक्स, ताकि टोटल ऐड करोगे तो 500, और यहाँ पक्की बात है बाई इंडक्शन माइनस एक्स है, और अगर ये माइनस एक्स है टोटल 700 है तो इस तरफ 700 प्लस एक्स, सिंपल। तो एक शॉर्टकट है कि जो कॉर्नर की जो इस तरफ वाले चार्जेस हैं बिल्कुल राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, वो चार्जेस की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। अब ये रिजल्ट मैंने कैसे लगाया, ये ऊपर प्रूफ से लगाया जो मैं कह रहा हूँ हमने करना नहीं है। प्रूफ क्या करना, मेरी बात मान लो ऐसे ही होता है तो बस हो गया प्रूफ, ठीक। तो ये चार्जेस को इक्वेट करो, चार्जेस को इक्वेट करके x आ जाएगा सीधा -100, तो अब आप आंसर दे सकते हो x की जगह -100, इस x की जगह -100 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 500 माइनस -100 और यहाँ पर 700 माइनस 100, चार्जेस आ गए, डन। ये सबसे सही शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं करना, x और माइनस x लेके कॉर्नर के चार्जेस को इक्वेट कर देना, करो जरा आंसर क्या होगा। आंसर आया 600, तो इसमें क्या किया पहले x किया, तो ये क्या आया 800 माइनस x, तो ये माइनस x लिया तो ये कितना आया 400 प्लस x, तो इन्हें क्या किया इक्वेट किया, तो 800 माइनस x इज इक्वल टू 400 प्लस x, तो ये इधर जाएगा तो 400 हो जाएगा और राइट साइड पे 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, ऐसे आंसर है। तो 200 आ रहा है, 200 आया था तो 200 आ गया, तो यहाँ चार्ज क्या है 200, यहाँ क्या बनेगा 600, राइट। तो इधर क्या बनेगा माइनस 200, इधर क्या बनेगा 400 प्लस कितना 200, 600। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ रहा है कैसे करना है? आप उल्टा ले लो, आप माइनस एक्स एक्स ले लो। देखो कैपेसिटर की प्लेट के ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, तो कॉर्नर के चार्जेस उस हिसाब से जाएंगे और कॉर्नर के इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड में आंसर आएगा, ठीक।